एक तरफ कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला तो सुरक्षित रख लिया है लेकिन जल्द सुनवाई से साफ मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला देना उचित होगा। हाई कोर्ट ने 2 मई को राहुल गांधी को इस मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के मोदी सरनेम केस के जज जस्टिस हेमंत प्रक्षक छुट्टियों के बाद इस मामले में फैसला सुनाएंगे। छुट्टी के दौरान कोर्ट फैसला लिखेगी, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। राहुल ने 2019 के मोदी सरनेम मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 27 अप्रैल को कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो राहुल गांधी की 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी बीते 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की अपील खारिज होने के बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई थी। उसके बाद वो सांसद से पूर्व सांसद हो गए थे। गुजरात हाई कोर्ट में 2 मई को राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस नेता और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखते हुए जज के सामने कहा कि यह पहला मामला है जब मैंने देखा है कि आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम सजा दी गई है। यहाँ मुझसे ज्यादा अनुभव वाले वकील हैं, मुझे संदेह है कि उन्होंने भी इस तरह की सजा के बारे में सुना होगा। कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। जहां तक गवाह याजी का संबंध है, वे कई वर्षों से बीजेपी के सदस्य हैं। उनकी गवाह राहुल गांधी को दोषी ठहराने का एकमात्र सबूत नहीं हो सकते। उनके सबूत को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूत से पुष्टि किया जाना है। कांग्रेस नेता पहले से ही संसद सत्रों संसदीय समितियों की बैठकों आदि से दूर रहे हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को नुकसान हुआ है। वे संसद में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने धारा 389 के तहत शक्तियों के संबंध में निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा मामला असाधारण परिस्थितियों के मामले में आता है। सिंघवी ने यह भी कहा कि फैसला ये नहीं कहता कि मानहानि एक गंभीर और जघन्य अपराध है। वे किस आधार पर मानहानि को गंभीर अपराध कहते हैं, सिवाय इसके कि आप उस व्यक्ति को नापसंद करते हैं। 27 अप्रैल को कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें भी रखी थी। उन्होंने तब भी कहा था कि राहुल गांधी ने मर्डर नहीं किया है। सिंघवी की दलीलें पूरी होने के बाद जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने कहा था कि अब शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रख लेने दीजिए, 2 मई को इस मामले का निपटारा कर देंगे। मैं भी 5 मई के बाद फ्री नहीं हूं, मैं भारत से बाहर जा रहा हूं, इसलिए यह सब जल्द ही समाप्त करना होगा। जस्टिस हेमंत एम प्रक्षक की पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निरुपम नानावटी ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने जज के सामने कहा कि अपराधों की गंभीरता सजा इस स्तर पर नहीं देखी जानी चाहिए। उनकी यानी कि राहुल गांधी की अयोग्यता कानून के तहत हुई है। इस बीच जज ने एक आदेश पारित किया जिसमें ट्रायल कोर्ट को उनके सामने मूल रिकॉर्ड और मामले की कार्रवाई पेश करने का निर्देश दिया। राहुल गांधी को कोर्ट ने अयोग्य नहीं ठहराया है। अयोग्यता संसद की ओर से ही बनाए गए कानून के संचालन के कारण हुई है। उनका यानी कि राहुल गांधी का मुख्य निवेदन यह है कि वह 8 साल के लिए राजनीतिक करियर से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने राहुल गांधी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबंधित एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसमें राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं और माफी नहीं मांगूंगा। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने कहा है कि वह सजा जेल से डरने वाले नहीं है। वह जीवन भर के लिए अयोग्य ठहराए जाने पर भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। उनके खिलाफ कुल 12 मामले दर्ज हैं, वो भी मानहानि के। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले में अंतरिम सुरक्षा भी मांगी। जस्टिस हेमंत ने राहुल गांधी को अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह छुट्टियों के दौरान मामले में आदेश पारित करेंगे और छुट्टियों के बाद फैसला सुनाएंगे। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं
कि कृपया आप कुछ निर्णय लें। इस पर जज ने सीधे साफ शब्दों में कहा कि छुट्टियों के बाद आदेश पारित किया जाएगा। जस्टिस हेमंत प्रक्षक छुट्टियों के बाद इस मामले में सुनवाई करेंगे और फैसला सुनाएंगे। 5 मई को हाईकोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है, उसके बाद गर्मी की छुट्टियों की वजह से कोर्ट अगले महीने 5 जून को खुलेगा। 1 महीने की छुट्टी होगी, इसके बाद ही इस पर फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि पिछले 23 मार्च को मोदी सर ने मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को धारा 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गया था। कांग्रेस नेता ने कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री प्रणेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री प्रणेश मोदी ने उनके खिलाफ 499-500 धारा के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।